जैसे हम अभी रुद्रपुर की तरफ को बढ़ रहे थे, हमने देखा कि आकाश भाई अपनी साइकिल के थ्रू टनकपुर से निकले हैं और लद्दाख के टूर को जा रहे हैं। तो हमने अपने एनजीओ के माध्यम से इनको आश्वासन दिया है कि हमारी जितने भी भाई, और आपका ये जमन भाई है और आपका ये आरिश भाई है, मतलब ये तीनों स्टूडेंट हैं। और सब्सक्राइब कर दो भाई के चैनल को। जी जी बिल्कुल। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो इस टाइप का है आज मौसम। और जहाँ मैं रुका हूँ ये है उनके वॉशरूम, ये है नल और उस टंकी में आता है गर्म पानी। मेरा तो हाथ भी जल गया था, काफ़ी गर्म पानी है। और भाई इस टाइप का है जहाँ मैं आज रात रुका हुआ था। चलो चलते हैं भाई अपने बिस्तर की तरफ और ब्रश व्रश करते हैं। मुझे रहने के लिए इतनी अच्छी जगह मिली बट भाई नींद फिर भी नहीं आई। रात को इतने ज़्यादा पैर दर्द कर रहे थे जैसे मेरी किसी ने कुटाई करी होगी। तो भाई गॉड, मैं रात के 4:30 बजे सोया और 5:20 पर उठ भी गया। मतलब पैरों में इतना दर्द हो रहा था, फिर मैंने रात को दवाई खाई तब जाके मैं करीब 1 घंटे सो पाया। भाई ब्रश करता हूँ और इसके बाद कुछ लोग मुझसे मिलने आने वाले हैं, तो मिलते हैं उनसे। मैंने ब्रश कर लिया और हाँ, करते हैं हम सामान की पैकिंग और उसके बाद निकलते हैं। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, वैसे तो मैं पहले ही निकल जाता लेकिन कुछ लोग मिलने आने वाले हैं तो उनका वेट कर रहा हूँ। उन्होंने बोला कि बता के जाना, तो उनका वेट कर रहा हूँ, उसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं। फ़िलहाल तो अभी मैं सामान पैक करता हूँ। मतलब ये तीनों स्टूडेंट हैं और सब्सक्राइब कर दो भाई के चैनल को। जी जी बिल्कुल। जी लाइक भी करना है जी, ध्यान से। 7th में 10th वाला कौन है? 10th यार, बोर्ड के पेपर हैं फिर। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बढ़िया से पेपर वेपर करो आप लोग। और भाई लोगों से मिलने के बाद और हम चलते हैं अब आगे किच्छा की तरफ और देखते हैं कि आगे किच्छा से और रुद्रपुर पहुंचने में मुझे कितना टाइम लगता है। वैसे तो मौसम बढ़िया है, तेज़ धूप। दोस्तों मैं इनकी दुकान से ख़रीदने आया था सेब, पर भाई साहब ने सेब के पैसे भी नहीं लिए, ऊपर से मुझे दे दिए 1 दर्जन केले, चीकू और संतरे, अमरूद, ढेर सारे फ्रूट्स मिल चुके हैं। और भाई वैसे भी मेरा तो
विदाउट मनी है, ये मेरे बोर्ड में भी लिखा है। तो भाई साहब ये है दुकान वाले भाई साहब, और इतने सारे फ्रूट दे दिए हैं। हेलो दोस्तों, मैं किच्छा से निकलने के बाद में रास्ते में ये कुछ भाई लोग मिले हैं, और ये एक एनजीओ चलाते हैं, तो इनके एनजीओ का नाम जानते हैं और क्या करते हैं ये लोग ये भी पता चल। मेरा नाम ज्ञानेश मिश्रा है और मेरे साथ टीम के सदस्य और ओबीसी मोर्चा के नगर अध्यक्ष मुकेश भाई भी हैं। हमारी एनजीओ का नाम देवभूमि फाउंडेशन है और हम लोग ब्लड सेवा के थ्रू लोगों की मदद करते हैं। हम लोग एक्सीडेंट में घायल हुए लोगों की मदद करते हैं, जो लावारिस केसेस होते हैं उनमें मदद करते हैं, और गौ सेवा भी हमारा मेन सेवा में इंक्लूड रहता है। तो अभी जैसे हम अभी रुद्रपुर की तरफ को बढ़ रहे थे, हमने देखा कि आकाश भाई अपनी साइकिल के थ्रू टनकपुर से निकले हैं और लद्दाख के टूर को जा रहे हैं। तो हमने अपनी एनजीओ के माध्यम से इनको आश्वासन दिया है कि हमारी जितनी भी एनजीओ उत्तराखंड के अंदर पड़ेंगी, हम इनको सब तरफ से मदद देने की कोशिश करेंगे। और अभी भाई के साथ छोटा सा एक टी सेशन हुआ है, तो चाहते हैं कि भाई से आगे भी मुलाकात हो। जब भाई लद्दाख से लौट के आए तो हम स्वागत करेंगे उनका किच्छा में वापस। बिल्कुल, तो भाई लोगों के साथ में बैठ के चाय पी अभी, और अब मैं निकलता हूँ आगे के लिए। और ये लोग भी अभी रुद्रपुर जा रहे हैं, और शायद हम भी आगे भी मिल सकते हैं, क्योंकि मैं भी रुद्रपुर जा रहा हूँ, और ये लोग तो मुझसे पहले पहुँच जाएंगे क्योंकि इनके पास है बाइक, और मैं साइकिल से इनके पीछे पीछे जाता हूँ। बाकी मिलते हैं आगे। दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ रुद्रपुर, और रुद्रपुर में बाकी सब तो अच्छा था, बट भाई ये चीज़ बहुत बुरी लगी। भाई दुनिया में होते हैं पत्थर और चट्टानों के पहाड़, और यहाँ पे है बड़े से कूड़े के पहाड़, और भाई भीड़ तो यहाँ पे गजब होती है। लेकिन भाई इतना सारा कचरा आता कहाँ से, और आता है तो इसको रिसाइकल क्यों नहीं किया जाता? आने वाले टाइम पर यहाँ पे बीमारियों को उत्सर्जित करेंगी और आसपास की जनता को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। भाई साहब मैंने तो सोचा भी नहीं था, मुझे पता था कि रुद्रपुर में पहाड़ है, बट इतना बड़ा पहाड़ होगा ये नहीं सोचा था। ये है दोस्तों, आप ये जो घर के ऊपर ईगल बना हुआ देख रहे हैं, ये असल में है पानी की टंकी, और इसमें पानी भरा हुआ होगा। काफ़ी लोग अपने घर के ऊपर बना लेते हैं, कोई ट्रैक्टर बनाता है, कोई फुटबॉल बनाता है, तो ये भाई साहब ने बनवाया है अपने घर के ऊपर ईगल, लेकिन काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। और ये पानी की टंकी है, अच्छा लग रहा है, बढ़िया है यार। मैं क्या बनवाऊंगा अपने घर के ऊपर। दोस्तों मैं पहुंचा हूं अभी गदरपुर, और अब यहां से मैं आगे जा रहा हूं, जब तक अंधेरा नहीं होगा तब तक मैं साइकिल चलाता रहूंगा और देखता हूं कहां तक पहुंचूंगा। तो फिलहाल मैं अभी आपको दिखा देता हूं यहां का मौसम कैसा हो रहा है। ये है भाई रोड जो कि काशीपुर के लिए गया है, और ये आया है रुद्रपुर से। तो शाम हो गई है और भूख भी लग गई थी, तो भाई लोगों ने कुछ फ्रूट्स दिलाए थे। दोस्तों आज स्टे मैं इस मंदिर में करने वाला हूँ। भाई साहब ये हैं सामने बैठे हमारे भोलेनाथ, और अंदर है भोलेनाथ और माँ गौरा की मूर्ति, और इधर हम चलते हैं पीछे, यहीं पे मेरी साइकिल खड़ी, ये है मेरी साइकिल, और ये देखिए ये अपना बोट। तो ये है माँ काली की मूर्ति, जय माता दी। और भाई साहब ये नीचे क्या है, वाओ ये नीचे बह रहा है पानी, और नीचे उतर के देखते हैं क्या है ये। भाई साहब ये जो आपको दिख रहा है सफ़ेद कपड़ा, असल में यहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाता है, और वो सामने पड़ी है लकड़ी।